हम चलते हैं अब अंजलि के पास, करुणा के पास और प्रत्यूष हमारे संवाददाता। पहले अंजलि आप क्या देख रही हैं? 30 सेकंड बाद मैं आपके पास आने वाला हूं प्रत्यूष, और उसके बाद 30 सेकंड बाद करुणा। पहले अंजलि। बिल्कुल दिनेश, अभी सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता वो पहुंचे और उनसे बातचीत टीवी 9 भारतवर्ष ने भी की है। सुमन मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है। सुमन, सबसे बड़ा बयान तो यही था जिसमें आदेश गुप्ता ने कहा कि थोड़ा इंतजार और करिए, बीजेपी का ही मेयर बनने वाला। बिल्कुल, देखिए ये लाइन तो बीजेपी का क्लियर है, चाहे उनके नेता हो प्रवक्ता हो, लगातार ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, मेयर बीजेपी का होगा। और दूसरी अहम बात अंजलि, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो पब्लिक रैलियों में लगातार ये लिख के दे रहे थे कि बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, अब उसका अरविंद केजरीवाल जवाब दें। और आदेश गुप्ता ने ये भी दावा किया है कि अभी रुझानों में भले कांटों का मुकाबला हो, मैं आपको ये दावा करता हूं कि आम आदमी पार्टी, मैं आपके पीछे स्क्रीन पर काफी हलचल देख रहा हूं, क्या हो रहा है? ये सारे कैमरास किसको फोकस कर रहे हैं अभी? ये हलचल निशांत वही है, राजीव जरा दिखाइए हलचल वही। आदेश गुप्ता से इस वक्त मीडियाकर्मी बात कर रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर पुनीत भी वहां पर मौजूद है जो कि बातचीत कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता 15 सालों में बीजेपी ने जो एमसीडी में काम, ठीक है आप चलते हैं प्रत्यूष के पास, इंपॉर्टेंट बात, क्या इसको ऐसे देखा जाए अंजलि कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कम वॉट में मेयर बीजेपी का बनेगा, क्या इसका मायने ये? आइए प्रत्यूष के पास चलते हैं। प्रत्यूष जी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले दिलीप पांडे भी अंदर गए हैं दफ्तर में, यानी सौरभ भारद्वाज हैं, दिलीप पांडे हैं, दुर्गेश पाठक और आतिशी अंदर हैं, और यहां पर धीरे धीरे अब यहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों का जुटना यहां पर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं या फिर आसिफ टोपी मार लिए? बस टोपी पहन के आए हैं, हमें इस देश को नंबर वन देश बनाना है दुनिया का, और उसके लिए हर बच्चे को, आखिरी बच्चा जो कतार में खड़ा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो मंगोलपुरी में हो, उसको अगर दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अगर मिल गई तो ये देश मुड़ के कभी वापस नहीं देखेगा।